क्रॉस कर गया और कहीं क्रैश हो गया, और अभी मैं जो मैं ट्रैक कभी नहीं कर सकता था मैंने वो ट्रैक किया। So hey guys, welcome back to our vlog channel। कैसे आप लोग? मैं बहुत ही बढ़िया हूँ, hopefully आप सब भी बहुत बढ़िया होंगे। एंड बाहर बहुत ज्यादा ठंड है और आज रात बस हमें पता है कैसे कटी यहाँ पे गाड़ी में, बुरा हाल है यार। 6-6 फुट के यार बच्चे धोने जो आ जाएंगे, मुश्किल से सो पाए। और अभी यहाँ से जाना है पादुम, जो यहाँ से 5 घंटे दूर बता रहे हैं, 5 घंटे दूर है वहाँ जाएंगे। और सोच रहे हैं हम जल्दी से ब्रेकफास्ट करके चले जाए वहाँ पे, वहाँ जाके रेस्ट कर ले, क्योंकि आज तो हुई नहीं है नींद पूरी, कुछ भी नहीं हुआ है। ये तो बेचारे सोए भी नहीं है, आगे क्या ही सोते। और यहाँ जो गाड़ियाँ खड़ी थी ना भाई, हमें कल रात को लग रहा था यहाँ की गाड़ी है, वो किसी कंपनी की गाड़ी है। और ये कंपनी कौन सी है समझ में नहीं आ रहा, कौन सी कंपनी है, सी कंपनी, डी कंपनी, सी कंपनी, कौन सी कंपनी है, दिल्ली नंबर, एचआर नंबर, सारी बात आ रही है। कुछ सिनेमैट काट रहे हैं यहाँ के और इसके बाद ब्रेकफास्ट करते ही निकल। देखो जगह बहुत सुंदर है बट स्टे का थोड़ा सा देख लेना है। अब पादुम चलते जल्दी से, पादुम क्या नाम है पूरा एग्जैक्ट, पदुम यस। यहाँ पे ट्रकों के सिवा आपको कुछ नहीं दिखेगा, मुझे तो दिखी नहीं अभी तक कोई भी गाड़ी घूमने आई हुई यहाँ पे जो। और अभी हम चलते हैं आगे ब्रेकफास्ट करते हैं, चले भाई, चलो भाई। From the south, storming along the shoreline, those who were right came here with nothing more than dreams of a brighter sun that could make their shadows run. चलो अब देखते हैं यहाँ क्या सीन है गेस्ट हाउस में। मेरे ख्याल से अब भी बंद है, जाके भी ट्राई कर लेते हैं, कुछ भी नहीं खुला हुआ यार, ऐसा भी नहीं ऑफ सीजन है। ब्रेकफास्ट हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। बताओ ब्रेकफास्ट में क्या हो जाएगा? ब्रेड ऑमलेट हो जाएगा। अच्छा, 3 ऑमलेट बना दो, ब्रेड ऑमलेट, 2 अंडों का, 1 बनाना सिंपल जिसमें हल्का सा नमक, हल्की सी लाल मिर्च। दिखाता हूँ, 2 गिलहरियाँ चिपक के आ रही हैं। दिखो मेरी 2 गिलहरियाँ, जल्दी आओ। ये आई 2 गिलहरियाँ चिपक के एकदम मस्त कम्बल में। आ जाओ आ जाओ। बस एक यही है जो आपका मतलब खाने पीने का हो सकता है। तो ऑमलेट खा चुके हैं, ये सेकंड राउंड है हमारे फूड का। ये भाई डाइट पे चल रहे हैं, बहुत कम खा रहे हैं। यहाँ पे अगर स्टे करना है आपको तो बस एक यही गेस्ट हाउस है, यहाँ पे स्टे कर सकते हो, और वो टेंट है, ये 2 ही ऑप्शन है। पानी, अरे लोग पानी में बिस्कुट दबा दबा के खा रहे हैं भाई। इतनी क्या डाइट हो गई जनाब, छोड़ दो पानी, गिलास भर के मंगाया था, कब आया? कोई नहीं, ये देखना तू, हाफ दूध है और ये फुल है, फर्क क्या है? Cheers। एक तो ना मेरे को याद दिला, अगली बार वो लेके चलेंगे। क्या बोतल पानी की वाली थर्मस? बता देते घर से उठा लेते, अच्छी वो देख कोने में जो है ना व्हाइट वाली, वैसी है घर पे। सो गाइस गाड़ी का चेकअप कर लिया है, रेडी है अपने आगे के रूट के लिए। और ये थोड़ा ज्यादा ऑफ रोड होने वाला है, कल रात दिखा नहीं पाए थे, अब दिखाएंगे। एंड हम तैयार है, सब तैयार है, ऑफ द जोश, जोश फुल जोश। हाय सर, ऑफ द जोश, चल ले आए घर से उठा के, तेल पे डालूंगा। अरे मां बढ़िया तुम बता रहे। चलो भाई चलो, बहुत ठंड है, वेदर बहुत बढ़िया है और मजा आ रहा है। चलो यहाँ पे आप कैंप बहुत अच्छी जगह लगा सकते हैं, कैंपिंग की बहुत अच्छी जगह है। हम तो रात को आए थे, हमें पता नहीं चला, तो यहाँ पे आप कैंप लगा सकते हो, ग्रीन है यहाँ पे, लोगों ने पहले लगाए भी होते। तो यहाँ आराम से कैंप लगाना और नाइट स्टे करना, अगर कैंप लेके आए हो तो बढ़िया हो जाएगा, मजा आ जाएगा। बस ठंड ज्यादा है यहाँ पे, तो कपड़े लेके आना अच्छे इनफ। सामने बादल देखो क्या मस्त लग रहा है, इन बादलों को चीरते हुए चलते हैं। तो गाइस ये है रंगदम की मोनेस्ट्री, जो यहाँ पे एक ही है एंड बहुत सुंदर है, और एक अलग सी जगह पे एक ही मोनेस्ट्री है, अभी यहाँ पे कोई है नहीं। एंड हल्की हल्की बारिश भी आ रही है, तो हमें निकलना चाहिए अभी। अच्छी जगह है, मस्ट विजिट एक बार। तो भाई को हल्का हल्का बुखार हो रहा है, जिस दिन फर्स्ट डे आए थे उस दिन से हल्का थोड़ा कांपने में लगा हुआ है भाई। तो मैं तो कह रहा हूँ इसको भी पैरासिटामोल पे जिंदा है। बढ़िया, दिखाओ आपको केजीएफ दिखाता हूँ। ये देखो ये रहा अपना केजीएफ, अपनी थार पूरी हिम्मत बांधते हुए, पूरा जोश में है। अभी तक ऐसा सच कोई प्रॉब्लम आ नहीं रही, और ना ही आए तो बढ़िया, सर्विस करा के आए थे इसकी भी हम फुल। रिव्यू
रील बनाऊंगा। अबे रुक जा, अबे रुक जा, उस साइड बैठ। उसको रील का ऐसा शौक चढ़ गया, हर जगह रील, कोई गाना सुनता नहीं, रील बना दो भाई मेरी। तुझे क्या लगता है तू वायरल हो जाएगा? पढ़ाई कितनी बता। राहुल बनाई नहीं अभी तक तूने? बहुत बनाई। रामी कुतरे, चल जल्दी बनाओ यार, बारिश आ रही है, गीले हो रहे हैं। ओ भाई गाना भी बजा दो इसका। वाह वाह बैंड दे टायरों की तेरी बल्ले तेरी तेरी पाड़ी। वहाँ मारी साले ने, वहाँ से निकाल के लाया। थोड़ा पानी चला गया जूते में, पर ऐसी की तैसी बोर्ड डाल। चलो तेरी बारी ला, तेरी बारी कहीं से भी ला। अबे यार सुन, सारे शॉट वहीं मारने हैं। ओए बेटे चल 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 भाई ला, बॉल लिख होनी चाहिए। बॉल जा पहले मैं निकाल के लाया था, ऐसे बोला इसकी बारी है। अरे इजी हो गया यार, टाटा कॉपी हो रहा था तो सोचा कुछ खेल ही ले, तो खेलने लग गए भाई। यार बहुत जल्दी थकान होती है पहाड़ों पे, और इतनी एलिवेशन में तो और भी ज्यादा। डाटा भी कॉपी हो गया, आजा। आपको इतने सुंदर सुंदर व्यूज देखने को मिलेंगे ना भाई, सब लालच आ जाएगा, हमको आ रखा है। हम जो 3 घंटे का सफर था वो हम रुक रुक के लालच में और बड़ा करते जा रहे हैं। पर से बताऊं, जगह मतलब कसम से बहुत ही बेहतरीन है। आप चलते फिरते देखोगे ना, इतनी इतनी प्यारी प्यारी लेक हैं, इतने प्यारे प्यारे भाई कैंप साइट हैं, इतना भयंकर व्यू है, कहां मिलता है सब व्यू। एंड सीरियसली बोल रहा हूं, इसलिए मुझे लद्दाख बहुत पसंद है। मतलब मुझे लद्दाख का ट्रैवल सीरीज मेरी बेस्ट सीरीज होती है। स्पीति भी गए थे ठीक है, पर लेह लद्दाख बेस्ट था मेरा ट्रैवल पे। अभी ये वन ऑफ द बेस्ट होने वाला है। गाइस इस पॉइंट के बाद हमारा ड्रोन कनेक्शन लॉस कर गया और कहीं क्रैश हो गया, और अभी मैं जो मैं ट्रैक कभी नहीं कर सकता था मैंने वो ट्रैक किया। ड्रोन अभी तक हमें मिला नहीं है, पिछले आधा एक घंटा हो गया मैं ढूंढते हुए। अब लास्ट फुटेज मुझे याद है कि ये बैकअप फाइल बना लेता है एक छोटी सी, तो उसके थ्रू मुझे मिला है। एक क्रैश हुआ है, मिल गया तो बहुत बढ़िया, नहीं मिला तो चपट लग गई भाई। शायद नए ड्रोन का टाइम आ चुका था। पकड़ो भाई, मैं बता रहा हूँ कसम से, ऐसी पहाड़ी चढ़ के आऊँ ना जैसे मैं कभी नहीं चढ़ सकता। अभी बताऊंगा आपको, ऐसी पहाड़ी चढ़ी, सीधी पहाड़ी, कभी नहीं चढ़ सकता ड्रोन के लालच में। दम सांस फटे हुए, थका हुआ पर रुक नहीं रहा। अमित मुझे कह रहा तेरी शक्ल कैसी हुई है, अब बहुत ड्रोन क्रैश हो गया, शक्ल की बात कर रहा है तू। गाइस वो गाड़ी खड़ी है वहां से, इतने गंदे पत्थरों पे चढ़ते हुए ड्रोन ढूंढने के लिए। साल आप भी नहीं मिला ना, तो नहीं मिले, वैसे 2% चांस है मिलने के ठीक है, पर ट्राई करना जरूरी है। ये ना हो कि हिम्मत हार गए, ऐसे भाग गए तो हिम्मत मार रहे हैं। चोट मत खाइयो बेटे, ड्रोन नया आ जाएगा, राहुल नहीं आएगा। प्रो लाऊंगा प्रो, साले तेरा प्रो वर्जन नहीं मिलेगा मार्केट में। अमित जी वो खड़े दूर, आपको दिख रहे होंगे वो खड़ी गाड़ी। बुरा राहुल, साला एरा मैं कभी ऐसा ट्रैक नहीं करता, मैं क्या करवा दिया इस ड्रोन ने। गाइस सामने पहाड़ी देख रहे हो, जहाँ भी राहुल है दिख रहा होगा कहीं, ये देखो। और मैं भी पता है कहाँ था, पहाड़ी के उस टीले पे, यहाँ से गया था वहाँ पे चढ़ता हुआ, और तब भी मुझे ड्रोन नहीं मिला। इतना ऊपर चढ़ के देखो, ये नॉर्मल है, मैं यहाँ था। एक और उम्मीद है, वो इस पहाड़ी के पीछे है, तब एंगल बनता है। एक बार वापस गाड़ी मोड़ेंगे एक लास्ट, फिर उसके बाद होप छोड़ देंगे। इसके बाद आगे मैं आपको ड्रोन के शॉट नहीं दिखा सकता, बस इतना हुआ है। और जो हमने अच्छे शॉट लिए थे वो सब की लो क्वालिटी है, वो मैं आपको दिखा दूंगा। क्या लेना चाह रहे थे यार, और क्या मिला? हाँ मिला फटका, बहुत महंगा। कोई नहीं ले आएंगे, अब प्रो लाएंगे, अब मिली नहीं लाऊंगा, प्रो लाऊंगा लिमिटलेस। अभी मेरे पास ड्रोन के नाम पे बस ये बचा है, मैं इसकी 2 बैटरीज और वो बेच दूंगा, किसी को चाहिए हो तो ले लेना, मैं बेचूंगा भी नहीं, मैं ऐसे दे दूंगा, ले लेना ओके। इस पहाड़ी के ऊपर उम्मीद है, क्योंकि तब यहाँ से एंगल बना रहा हूँ ना, तो सेम एंगल बन रहा है जिस एंगल पे ड्रोन खोया है, तो इधर ही आसपास है वो कहीं। देखो ड्रोन तो क्रैश हो चुका होगा, पर ना एक सेटिस्फेक्शन मिल जाएगी, उसके पुर्जे भी मिल गए तो, कि हाँ ये मिल गया मुझे, और मैं हिम्मत नहीं हारूंगा, साले के पुर्जे ही लेके जाऊं, पर लेके जाऊंगा, हारेगा नहीं साला।
मैं तो मुंह हो गया खराब टैनिंग की वजह से। घर वाले कहेंगे ये तो गया का गया, तू इन पहाड़ियों पे क्यों चढ़ गया, तेरे चोट लग जाती। फिर जाते घर वाले सुनाएंगे अभी राहुल और अमित को गाड़ी में बिठाया, इनके चक्कर में ना मेरी फटी पड़ी है, ये साले ये गिरे ना मेरी और ऐसी तैसी हो जाएगी। अभी मैं जाता हूँ, एक पहाड़ी लग रही है मुझे जिसपे हो सकता है, वो पहाड़ी पता कौन सी है, फट जाएगी भाई देख के। लास्ट क्लिप से पता चला है कि ड्रोन मूर्ति के पास क्रैश हुआ है। पीछे की साइड आबादी, वो वहां टकराया है या वो इस एरिया में टकराया है, उसके ऊपर टकरा हो सकता है। लोकेशन पता चल गई ये ड्रोन की, ऑलमोस्ट पास में ही है पर टाइम की बहुत मार। तुझे एक फ्रेम दिखाऊंगा तू समझ जाएगा फ्रेम का है, बहुत देर में पकड़ना है फ्रेम। लाल पत्थर का है, यहाँ है सारे लाल पत्थर। ट्रिपल रोड कहाँ से दिखता है, लाल पत्थर का बैंड वो है, ये देखना स्क्रीनशॉट लिया है। लास्ट जोन इस एंगल में दिखा है, ये बैंड लाल पत्थर, लाल पत्थर, ये बैंड यहाँ है, ठीक है ये रास्ता है, ये लाल पत्थर यहाँ है। हाँ ये रोड दिख रहा था उसको, ये रोड पूरा दिख रहा था, या तो इसके ऊपर है या इसके ऊपर जाए कहीं क्रैश हो गया, क्योंकि जो मेन है ना उसमें उसे एक साथ तीन रास्ते दिख रहे हैं। ये बैंड हल्का सा आता है, पहला रोड, दूसरा रोड, तीसरा रोड, तीनों रोड इस मोड़ पे आते हैं। हाँ। टेढ़ा है वो, थोड़ा और अंदर जा चुका है वो। शॉल पकड़ियो, बैंड उसमें आया था ना। हाँ तो और उधर है चौड़ा वाला, ये बैंड आया था और ये एंड पॉइंट आया था, ये लेफ्ट एंड था। मिल गया, मिल गया, हाँ मिल गया। Fuck man. Yes. Yes. वैसे तो इसकी बहन है पर मिल गया, अपने पास एसडी कार्ड है, लास्ट फुटेज मिलेगी हमें। यस साले को ढूंढना जरूरी था यार, इसकी बैटरी भी ढूंढ रहा हूँ। ये सब तो ठीक है पर मैं उतरूँ कैसे, बैटरी मिल गई, बैटरी हाँ उतरूँ कहाँ से, वहाँ से, यहाँ से है, यहाँ से नहीं है, वहीं से जहाँ से आए थे। आ जाओ, अस्थियाँ लेके आ रहा हूँ इसकी। मैंने एक चीज भी नोटिस करी कि चढ़ना इजी है उतरना बहुत मुश्किल है। ऐसे भी रखने का मन नहीं कर रहा, अभी दुख हो रहा है। पकड़ अपने साथी को, कैसे चढ़ गया यार मैं, अच्छी संडे ढूंढ लिया मैंने इसके। क्या हुआ देख, ये करके दिखा दी तेरे भाई ने कैसी चट्टान चढ़ गया। भाई पीछे हट जाता ना आज तो दिल टूट जाता, चाहे इसकी अस्थि ऐसे इसको लेके जाना था साले को। अरे फुटेज तो मिली लास्ट क्रैश की एचडी क्वालिटी। मिते तेरे भाई ने हार नहीं मानी, बोलते पहाड़ी के ऊपर पर माच इसकी, बेचारा फट गया, साथ पूरा निभाया पर बेचारा फट गया, बहुत गंदी टक्कर लगी है। इसकी अस्थियां चाहिए थी यार, बैटरी मिल गई, एसडी कार्ड मिल गया, एसडी कार्ड भी जरूरी था। किसी को तीन बैटरी का सेट चाहिए हो तो बता देना गाइस। चलो अब चलते हैं, पैसे बच गए अपने, ये क्रैश हो गया पूरा, इसका अंजर बंजर ही देख। तो हमारा बहन जो था कि ना मिला तब देंगे नया। अच्छा ये प्लान था तुम्हारा। अरे नहीं मिला मुझे बहन। चलो भाई की तबीयत खराब है, अब इसको कहीं गिर रहे हैं, जल्दी से पहुंचना है, होटल लेना है, कल रात सोया नहीं हूं, आंखें खोल के दिखाऊंगा ना ऐसे लाइनें बनी हुई लाल लाल, कोई भी नहीं सोया, मैं तो थोड़ा बहुत सोया तो बिल्कुल नहीं सोया। भाई ड्रोन में एक शॉट आया है, इस पहाड़ी के बीच में एक मूर्ति है, वो जरूर दिखानी हो, मूर्ति मिली नहीं मुझे, मेरे को भी नहीं मिली, और वो मूर्ति है खड़ी चट्टान के बीच में एक मूर्ति है, वो गलती से कैप्चर्ड हो गया, और जिसने वो मूर्ति रखी मैं तो उसके ऊपर दाग देता हूँ कि भाई उसने रख कैसे दी वहाँ पे, वो बिल्कुल बीचो बीच है गोल्डन कलर की। चलो भाई जल्दी निकालो, भूख लग रही है बहुत गंदी, दबा के खाना है। कट कट कट, सीधा आगे मिलेंगे। पहले भी आया सर, मैं यहाँ आपका स्पीटी का देखा था, स्पीटी नहीं चलता है, मेरी शक्ल खुद ऐसी करो काम बाय। साइट इंजीनियर देख रहे हो, मेहनत कर रहे हैं इंजीनियर, देश का युवा बढ़ रहा है आगे, वीर तुम बड़े। चलो पेंजिला रेस्टोरेंट एंड होम स्टे, ये पास में पड़ता है, 43 किलोमीटर पहले पड़ जाएगा आपको पदुम से, और यहाँ से अभी हम ज्यादा खाएंगे नहीं क्योंकि अमित जी की तबीयत खराब है, तो हम जाके सीधा डायरेक्ट वहीं खाएंगे। तो अभी बस यहाँ से कुछ खाने पीने के ऐसा चिप्स रख लेंगे, स्नैक्स ले लेते हैं स्नैक्स। सोचा था आपके कुछ ऐसी कार्बोनेटेड ड्रिंक नहीं पियेंगे, बट रुका नहीं जा रहा, कॉफी मस्ट नीडेड है पर टाइम नहीं इतना बनाने का। अंकल यहाँ से पदुम कितनी दूर है? 45। रोड अच्छा है?
कितने टाइम में पहुंच जाते हैं दो घंटे दो घंटे में थैंक यू इस पे वापस चैलेंज मेरी आंखों में तो देख तुझे लगता है हिम्मत है मेरी अब कोई भी चैलेंज आंखों में तो देख तुझे मेरी आंखें लाल नहीं दिखती क्या जूम कर दिखेगा तुझे आंखें लाल दिखेंगी तुझे मेरी फट जाएंगी आंखें अरे बाहर का जूस है देख बिल्कुल एक भाई हाथ लाया देख ठंडा हो तो मत पियो ले पी ले और सुन भाई दो बिस्कुट खा ले भाई जान आ जाएगी चॉकलेट वाले ले खा ले जितने खाए जाए भाई जान आ जाएगी थोड़ी यार बाली खा रहा है इसको खिलाना बहुत जरूरी है भाई बाली गुफा में चला गया अंदर हाइब्रिड में नीचे नहीं चला गया ओए ओए नोनू का कॉपी वैली के ना मैक्सिमम रोड अभी बन रहे हैं तो वो अगले एक साल में डेढ़ दो साल में बन जाएंगे तो अभी बहुत ज्यादा रो है और मैं सही बोलूँ ना तो अगर आपको यहाँ पे आना है तो मैं ये नहीं कहूँगा बहुत एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग है अभी तक कि बहुत ही एक्सट्रीम है आप कर ही नहीं पाओगे आपको 4x4 कार ही चाहिए नहीं नहीं आप एक स्कॉर्पियो 4D को स्पोर्ट और आप अगर बहुत अच्छी चला रहे हो तो नेक्सॉन भी आप निकाल सकते हो यहाँ से पर पता है यहाँ का खेल क्या है यहाँ की जो ऑफ रोडिंग है ना उसमें आपको चाहिए पेशेंस क्योंकि लगातार 4-5 घंटे ऑफ पूरा रास्ता ही ऑफ रोडिंग का है और ऐसे में क्या होता है सिर्फ हमें नींद आ रही है मतलब नींद क्या हम कल रात को सोए नहीं है तो ऐसे में क्या होता है ना कि बंदा वो पेशेंस को किल कर देता है तो वो एक फास्ट चलाने लग जाता है रफ चलाने लग जाता है तो पहले बता दूं फर्स्ट ऑफ ऑल कार आपकी है तो नुकसान आपका होगा ठीक है दूसरी चीज अगर रेंट पे लेके आए हो तो फिर तो आप मर गए क्योंकि रेंट की चीज का नुकसान होता है तो डबल पैसे लेते हो सबसे मेन चीज अपनी सेफ्टी भी जरूरी है देखो सेफ्टी मैं कह रहा हूँ यार लोगों को नहीं होता कुछ ठीक है बहुत सेफली चला लोगे पर तब यहाँ पे ऑफ रोडिंग की बात आती है ना बंदा अपना व्हीकल खराब कर लेता है चीजें खराब कर लेता है ये मत करना ऑफ रोडिंग बहुत एक्सट्रीम अभी तक नहीं आई एक दो जगह आई थी जहाँ मतलब आप तमीज से निकाल लोगे आप ऐसा नहीं है कि मैं कह दूं कि मैं दिग्गज हूँ नहीं नहीं यार यहाँ से बस निकाल रहे हैं बड़ी बड़ी तो ऐसा नहीं है आप कर लोगे इजिली आप ला सकते हो ऐसी गाड़ी बस आपके पेशेंस लेवल होने चाहिए आपको तमीज से चलानी है बस ये दिमाग में रखना बात और तो सब क्या ही है यहाँ पे जेसीबी सरप्राइज करता रहता है अंडर कंस्ट्रक्शन है तो अभी सारे में ऐसे रेत उड़ता रहेगा धूल धाल ऐसा पूरे रास्ते मिलेगा आपको तरस गई थी आंखें ऐसा प्लेन रास्ता देखने के लिए पिछले 5-6 घंटे से उबड़ खाबड़ रास्ते पे चल रहा हूँ अब जाके सुकून मिला देखिए मक्खन आय हाय क्या रोड खत्म तो नहीं हो गया मजा आ गया बोलते खत्म हो गया बोलते एकदम से ट्रक जी थोड़ी साइड दो भाई इसी रूट पे ना ट्रक दिखेंगे आपको बस ट्रक दिखेंगे और दूसरी दिखेगी कंपनी की गाड़ी कंपनी वो भी HR 26 इसके सिवा हमें दो दिखे अभी तक एक यूपी नंबर था और एक और थी गाड़ी वो दिखी है जो ट्रेवल के लिए आई थी उसके सिवा हम है जो हम चल रहे हैं अभी जाते हो तो कोई नहीं दिखा वो भी वापस आते हुए दिखे थे और सुबह दो बसें जाती हुई दिखी थी बस पता है कितना सुकून मिलता है ऐसे आंखें थक गई थी मेरी चश्मे लगा लिए थे आंखें में जलन हो रही है मेरी परसों राहुल की हो रही थी परसों नहीं फंस हुई थी ना तेरी आंखों में जलन तगड़ी अरे भाई साहब भाई देखो मैं बताता हूँ तब आपको पहाड़ों पे गाड़ी चलानी ना बढ़िया चलो एकदम से ब्रिज पे ले आओ तुम काट दो मेरी बात हाँ अगर आप पहाड़ों पे गाड़ी चला रहे हो और आप आ रहे हो श्रीनगर और आपके साथ भाई साहब साइड पैसेंजर को पैसेंजर बढ़िया है तो आपको आ जाएगा मजा आप जल्दी से साइड से निकाल के जल्दी जल्दी ट्रकों को ओवरटेक कर पाओगे अगर वो है लधेड़ू फिर नहीं हो सकता जी खुद एक साइड में पानी कितना प्यारा लग रहा है ऐसा लग रहा है ऐसे ऐसे हाथ फेर दो पानी में चल रहा चलो भाई मरीज जिंदा 4 दिन से लाते लाते घूम रहे सब नखरे उठा रहे हैं तो बच्चों की तरह इसको भाई खा ले भाई जूस पी ले भाई बिस्किट खा ले चलो चलो जल्दी से ओए रास्ता खत्म हो गया यार इसमें एक लंबा शॉट ले ले दूर All the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. We don't need no more.
स्कर्मा आपका फुटबॉल खेल रहा था बच्चों के साथ, खेलते खेलते मुझे ये जगह दिख गई। यानी इतनी प्यारी जगह है, मेरे को बस हल्का सा ना रोड के साइड से दिखा। जब आप आओ तो भी आप आना यहाँ पे, बहुत शांत सी जगह है। देखो यहाँ पे एक पिकनिक स्पॉट भी कह सकते हैं, सामने गॉड है उनका है एंड मुझे गॉड का एग्जैक्टली नेम नहीं पता। तो एक ब्रिज बनाया हुआ है यहाँ पे, ऐसे हल्की सी ये पॉन्ड टाइप कह सकते हैं, तो बहुत सुंदर है, बढ़िया व्यू है। मैंने बोला रुकते हैं थोड़ा सा, हम पहुँचने वाले हैं, हम जस्ट 20 मिनट दूर हैं, तो मैं कोई जल्दी नहीं, ठीक है। और मैक्सिमम टाइम अब ये कैसा फील कर रहा है भाई? बढ़िया, इसकी भी थोड़ी तबीयत ठीक हो गई, फिर कल इसने ठंडी स्लाइस पी ली तो इसकी और बैंड बज गई, बट अब ठीक है, आ रहा है ब्रिज तक चल रहा है। एंड गाइस लोग यहाँ पे कैंप भी कर रहे हैं, मैंने सामने भी देखा। अरे बहुत बढ़िया यार, यहाँ तो यहाँ जरूर आना, हमें तो भी जाना, हम तो आज होटल लेंगे यार। आज कोई पंगेबाजी नहीं, आज थोड़ा फ्रेश फ्रेश ढंग से होना है और बहुत थके हैं। बढ़िया सुंदर व्यू और शांति, पीसफुल ग्रीनरी एंड बहुत साफ है, उन्होंने मेंशन भी करवाया। गाइज मेरी ना एक रिक्वेस्ट है आप सबसे, जहाँ भी कैंप लगाते हो ना वहाँ पे अपना वेस्ट मत छोड़ा करो, ठीक है। ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि भाई जहाँ हमने पहले कैंप लगाया था ना उससे एक दिन पहले किसी यूट्यूबर ने कैंप लगाया था, आई डोंट नो कौन था वो यूट्यूबर, जो भी था भाई उसकी सफाई तो देख लेता यार। एंड प्लीज आप भी देख लेना, ऐसे कहीं गंदगी मत फैलाओ, इन्होंने बहुत, हम यहाँ पे घूमने आते हैं इसलिए, बिकॉज ये बहुत रॉ है और बहुत नीट एंड क्लीन है, इसको ऐसे ही रहने दो। इसने एक रिफ्रेशिंग स्टार्ट दिया हमें वापस, और जल्दी से चलते हैं हम अपना होटल बुक करना है। वैसे भी गाइस आ चुके हैं हम अपनी मंजिल पर, इतनी प्यारी लग रही है ना सामने, देखो उस साइड बहुत ही सुंदर। और पदुम झांस्कर का झांस्कर का सबसे मेन जगह है, मतलब ये पॉइंट है जहाँ से, मतलब यही एक वो है जो थोड़ा सा वेल डेवलप्ड है यहाँ पे, क्योंकि वो सारे गांव हैं वहाँ पे, स्टेज हैं, आप रुक सकते हैं, बट इतना वो नहीं है जितना ये है। यहाँ तो आओगे आओगे झांस्कर आओगे तो ठीक है, ज्यादा बताता नहीं मैं क्योंकि मुझे इतना ही पता है, अभी जाके पता चलेगा। नाइट क्लब है और क्या है यहाँ पे? बस ये मैंने सुना है यहाँ और भी भाई रेव पार्टी होती है, पोल डांस होता है। रशिया थोड़ी आए हैं, रशिया तो तू यहाँ साले यहाँ कहाँ तू इनमें तू नाइट कौन सा नाइट क्लब होगा यहाँ पे भाई? नाइट क्लब मतलब कि तुम चिल मारने वाली जगह, चिल मारने वाली जगह, चिलको से आज हो गया था ना चिल एक मिनट में, एक हमारा खिलाड़ी तो डेड पड़ा है, जो हमारा हंटर है चिक हंटर चिक मैग्नेट वो तो डेड पड़ा है। काय की पार्टी, काय का क्लब, सुना है सब इसके बिना हमारे जीवन में। जब बढ़िया शॉट ले रहा हूँ तो माउंटेन ले रहा हूँ सीधा, माउंटेन फ्रेम विद इन अ फ्रेम सीधा माउंटेन फ्रेम विद इन अ फ्रेम, वाओ एडी होटल ले लेना जो उनकी बात है, ऐसी तैसी बड़ी है बस फर्स्ट है फ्रेम विद इन अ फ्रेम। एंट्री बोर्ड नहीं बनाया इन्होंने अभी तक, मैंने इन्हें बोला था बड़ा बड़ा बोर्ड लगाओ, आए थे 6 महीने पहले तब। अरे मैंने ये सब मैं ही तो करवा रहा हूँ कंस्ट्रक्शन, और क्या। लास्ट टाइम मैं आया मेरी गाड़ी का टायर फंस गया, मैं लेके आया था छोटी गाड़ी में, रेंज रोवर इवोक ले, इवोक थोड़ी नीचे है वो तो अच्छा, मैं गलाडो नहीं लाया अपने शिट। फिर मैंने बोला कुछ करवाओ यहाँ पे, फिर मैंने ज्यादा नहीं करवाया ना, फिर रॉ खत्म हो जाता है, इसलिए मैंने कम करवाया। ये इंडियन आर्मी का है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, जल्दी से होटल ले लो फ्रेश होना। हाँ तो एक बम के गोले में ढेर कर दूंगा तीनों को, तीनों में से खुद को मैं खुद भी ढेर हो जाऊं मारते ही ढेर। होटल देख लो खुद ही चल गई क्या जी, ये स्माइल जी आप दोगे गाइस? देखो थार में तो आपने बहुत ट्रिप देख ली, क्यों ना आप स्कॉर्पियो एन हो जाए एक। अब अमित ने व्लॉगिंग चैनल खोला है तो घर में एक स्कॉर्पियो एन तो खड़ी होनी चाहिए क्यों अमित भाई? नहीं मोहित, मुझे कह रहे थार लेके आया हूँ आप मेरा, और थार की इंस्टॉलमेंट चल रही है भाई, यहाँ से कमाता हूँ वहाँ लगाता हूँ, बिजनेस दैट्स कॉल्ड बिजनेस। अच्छा भाई नो डाउट रूम अच्छा है पर पैसे थोड़े महंगे हैं, लाइट नहीं है यार, लाइट का तो मेन खेल है यार।
लेकिन मैं भी अप्लाई हुआ जाएगा। मेरे मालिक है, मैं इनके आगे कुछ नहीं बोल सकता। अभी मैं चार बोल दिया, मैं 400 ओपन नहीं कर सकता। 45 मैंने आपको, हमारे सर भी आ जाएंगे आपको, तो चार्ज लेवल तीन बोल। लेकिन हम जो स्टार्टिंग में तो चार नहीं, तुम्हारे सर आएंगे हम निकल लेंगे बोल रहे हो। आप लोगों में तीन बंदों को जो है ना ब्रेकफास्ट वो भी दे रहा हूँ आपको, ब्रेकफास्ट में तो बोल रहा तो बाहर कर लेंगे आप बताओ। चलो बाहर करना है आपने तो फिर आपको 3,000 4,000 में आप बाहर करो, 4,000 देता हूँ मैं आपको यार। ये क्या बात है, 500 रुपए में 500 इतना सस्ता खाना है आपका यार, इतना 500 रुपए में आप सोच रहे हो कि चलो आपके पास बड़े सस्ता है खाना भी है। चलो फाइनल कर दो। नाम क्या है? नाम है मोहित। मोहित सर नहीं, राहुल सर। राहुल सर ओके, राहुल सर। आप थोड़ा फिरकी ले रहे हो मेरे साथ? नहीं फिरकी नहीं। सुबह से मूड खराब चल रहा था, ड्रोन मार दिया पहाड़ पे, खराब हो गया पूरा ड्रोन, तोड़ लाए हम। अब जाके तो हंसे हम जाके। नाम सर आपका? शुभ नाम राहुल शर्मा। अरे राहुल नाम तो सुना ही होगा। शर्मा अरे सर आप बोलो, मैं बोल रहा हूँ ना। कार्ड से काटो कैश काटो? ये लाइट भी आ गई। अगर नहीं भी आती ना लाइट सर, हम आपको मैंने बोला ना हमारे जो वो है हमारे पास जनरेटर है। तो देखो इतनी अच्छी बात हुई, इसी बात पे कुछ तो कम करो। भाई साहब क्या बात होगी भाई साहब, ये बड़े बड़े मालिक हैं। मालिक साहब है, सब मालिक ही है सर। वाईफाई है? वाईफाई है ना सर। अगर नहीं होता 500 रुपए काट लेता सर। नहीं का मतलब आप सामान लेके $1,400। तो गाइस एक और चीज मैंने ऐड कर लिया है, मैं पहले पैसे बताता नहीं था कितने लगे हैं, अब मैं बता रहा हूँ आपको क्योंकि मेरे को बहुत रिक्वेस्ट आई है। ये होटल रूम हमने 4,500 का करा है, विद 3 जनों का इंक्लूडेड डिनर एंड ब्रेकफास्ट। और सीन ऐसा है यहाँ पे ना, होटल्स मिलते नहीं है, तब आप ऐसी जगह जाते हो तो ऐसे होटल नहीं मिलते जो थोड़ा सा लाइक हीटर प्रोवाइड कर रहे हो, अंदर अच्छा वॉशरूम हो सुंदर और बेड थोड़े से ऐसे सेपरेट हो। तो मेरे को सही लगा तो हमने दे दिए, ठीक था। अब लोग ये भी कहेंगे आप थक गए, तो कोई नहीं यार देखी जाएगी, क्योंकि हम बहुत थके हुए थे और पहला होटल पड़ता है, हम पहले में ही घुस गए। हमने कहा नहीं और हम अभी नहीं कर सकते एक्सप्लोर, तो ऐसा सीन हुआ है। अभी सब फैला दिया है सामान, फ्रेश होंगे, कॉफी पियेंगे, उसके बाद बाहर थोड़ा सा टहल के रेस्ट मोड पे बिल्कुल सोएंगे आराम से, कल उठेंगे। क्या क्या कह रहा है ये? इसको वाईफाई चाहिए, आते वाईफाई, इसकी तबीयत खराब थी, यहाँ आते वाईफाई चाहिए। वाईफाई भाई तू आते चालू हो गया अभी, तेरे डोलो का साइज इसलिए कम हो रहा है समझ रहा हूँ मैं। सो गाइस फ्रेश हो गए थे, अब अपना डिनर भी कर चुके हैं एकदम बढ़िया तरीके से। कल का जो ब्लॉग आने वाला है, आज का ब्लॉग देखो, पहली बात तो नींदों में बहुत ज्यादा एनर्जी खत्म हो चुकी है। एंड आज जो हुआ ड्रोन क्रैश, बेसिकली क्या हुआ था वो, हम ऑपरेट कर रहे थे साथ में और देखो मुझे लालच था क्योंकि एक शॉट था जो मैं आपको दिखाना चाहता था और बहुत बेहतरीन था, मैं चाहता था वो मैं दिखाऊं। एंड वो शॉट लेने के चक्कर में मैं ड्राइव कर रहा था, साथ साथ राहुल ऑपरेट कर रहा था। वो कुछ ऐसा हुआ कि ऑपरेट करते हुए राहुल से माउंटेन के बहुत पास चला गया, बहुत पास, एंड जैसे कनेक्शन लॉस्ट हुआ वो जस्ट फ्रैक्शन ऑफ स्पेस था उसका, बीच में बस कुछ बोलो कुछ सेंटीमीटर का स्पेस था। लाइक जैसे ही कनेक्शन लॉस्ट हुआ, हल्का सा हवा तो तेज चली रही थी, वो पीछे हुआ एंड वो लगा। एंड उसके बाद मैंने उसे ट्रैक करा, लास्ट वीडियो देख के जो टेम्परेरी फाइल बन जाती है फोन में उससे, तो मैंने ट्रैक करा, मुझे मिला। एंड सीरियसली बता रहा हूं, तो मैंने उसे माउंटेन पे देखा था उल्टा गिरा होता ऐसे, और मैंने इतनी मशक भाई कसम से, मैंने अपना सारा शेरलॉक होम्स सब दिमाग खोल लिया था सारा, कि जितना मेरे में दिमाग था ना कि ऐसे गिरेगा तो ऐसे गिरेगा, इस एंगल से ऐसा था, वीडियो फुटेज ऐसी थी, इधर था, इस माउंटेन पे हो सकता है। एंड देन फाइनली वो मिला, कसम से मुझे खुशी इस बात की हुई कि मैंने वो ढूंढ लिया। वो किस सिचुएशन में मिला वो अलग चीज है, बट मैंने वो ढूंढ लिया बिकॉज मैंने ठान लिया था कि इसको तो ढूंढ के ही जाऊंगा, कैसे खो गया। तो वोल्टा गिरा हुआ था, मैंने देखा उसे, उसकी पंखड़ियां पूरी सही थी, मुझे लगा फक ये बच गया। देन मैंने उठाया, वो पूरा तहस नहस हुआ हुआ था। फिर मैंने फर्स्ट चीज देखी उसमें कार्ड है, मैंने कहा चलो फुटेज मिल जाएगी, जो लास्ट रिकॉर्ड हुआ वो मिल जाएगा, बिकॉज इस पूरी ट्रिप में बहुत अच्छे शॉट्स दिखाने थे, मैं और राहुल बहुत पैशनेट थे, तो मैंने सोचा लास्ट क्लिप ही मिल जाए। फिर उसके बाद मैंने उसकी बैटरी ढूंढी, मुझे वो भी मिली, मिल गया, और वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, उसमें कुछ नहीं बचा, उसका कैमरा वैमरा बिल्कुल डेड, एकदम परखच्चे उड़ गए उसके। मैं आपको बाद में कभी दिल्ली में जाके दिखा दूंगा, अभी नीचे बैग में पड़ा है, क्या ही खोलना उसे। एंड राहुल आया मेरे को ऐसे गले लगाया, कहता भाई, मैंने कहा क्या हुआ, हो गया, तूने तो इन्हें किया, कनेक्शन लॉस्ट हुआ, लग गई, ये कौन सी बात होती है। देन सब बढ़िया मस्त चल रहा है। एंड एक और चीज़, कल हम जिस रूट पे जा रहे हैं वो रूट गूगल मैप पे भी शो नहीं होता, वो रूट कहीं भी शो नहीं होता। आज तक का मेरा सबसे एडवेंचरस वो पार्ट होने वाला है, जो मतलब जो रूट है ही नहीं गूगल मैप पे, हम उस पे जाने वाले हैं, तो देखना। एंड अभी तक की ये सीरीज आपको अच्छी लग रही होगी, एंड इस सीरीज से मेरी बहुत एक्सपेक्टेशंस थी जो मैं ड्रॉप करना चाहता था, एंड कर भी रहा हूँ, होपफुली आपको अच्छी भी लग रही होगी। सो थैंक यू सो मच एंड आई लव यू गाइज, बस प्यार बनाए रखना हम सब पे, एंड मैं ऐसे कुछ ना कुछ दिखाता रहूंगा। आई लव यू, बाय।